हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बड़ी मज़े की खट्टी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। और बाज़ार जाते हुए जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही है ना, इन्होंने ये खट्टे आलू चने तो ज़रूर लेके खाए होंगे। तो चलिए आज इसे घर में बनाना सीखते हैं। तो रेसिपी करते स्टार्ट। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें जाएंगे बॉयल काले चने और कुछ लेमन ऐड करूँगी। एक कप हमें बॉयल पोटैटो चाहिए जिसे मैंने क्यूब शेप में कट किया है, और एक कप टमाटर, एक कप खीरा और कुछ स्पाइसेस जाएंगी जिसमें जाएगा चाट मसाला, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और काला नमक। तो इसके अलावा इसके अंदर इमली का पल्प जाएगा और प्याज चॉप की हुई और साथ में मिंट यानी कि पुदीना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस सब चीज़ों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दें। सारे क्यूब में कटे हुए आलू भी, चने भी, खीरा भी, आप चाहें तो इसके अंदर बॉयल की हुई शकरकंदी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। टमाटर डालेंगे और प्याज, और जितनी भी स्ट्रीट फूड्स हैं ना उसमें मेरे ख्याल से इसका जो नंबर है ना वो सबसे ऊपर है। जब भी कोई मार्केट जाता है तो ये वाले खट्टे आलू चने ज़रूर बाय करके खाता होगा, और इसका टेस्ट वाकई इतना मज़े का और रिफ़्रेशिंग होता है ना। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है, और इसके बाद हम इसकी ना सॉस रेडी करेंगे। अभी एक बोल में इमली का पानी डाल देंगे, और जितना इमली का पानी है उतना ही इसमें चिल्ड वाटर और ऐड कर देंगे। आप चाहें तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, इसको और पतला रख सकते हैं। बाकी सारी स्पाइसेस जाएंगी, स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून भर के चाट मसाला डाला है, बाकी उससे हाफ मैंने जो है ना काला नमक, ज़ीरा थोड़ा सा डाला है, लाल मिर्च का पाउडर हाफ अ टी स्पून डाला है और हाफ अ टी स्पून ही दूसरा सॉल्ट डाला है। तो यहाँ पर जनाब इसके अंदर लेमन भी जाएगा, क्योंकि ये खट्टे आलू चने हैं तो इसके अंदर ना खट्टा सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको एक बार मिक्स करके टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम ज़्यादा लगेगा तो मैं फिर से और चीज़ें ऐड कर दूँगी। अभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, और इसके अलावा इसके अंदर चाट मसाला भी और थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। तो इतने से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना मज़े का इसका खट्टा सा पानी तैयार हो जाएगा। अब जो है ना इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी है, बिल्कुल हाफ टी स्पून के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल खट्टा ही रखना है। मैं थोड़ा सा इसको मीठा टच भी देना चाहती हूँ, इमली की खटास को कम करना चाह रही थी। यहाँ पर इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स भी ऐड कर दिए हैं, जितना ये ठंडा होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो इसको डिस्पोजेबल कप्स में ही सर्व किया जाता है, बड़ा मज़े का वो लगता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त डिस्पोजेबल कप्स जो हैं वो प्लास्टिक वाले अवेलेबल नहीं थे, तो मैं यहाँ पर जनाब प्याली में ही सर्व कर रही हूँ। पहले आप डाल दें सारी की सारी चाट और उसके ऊपर उसका खट्टा पानी, और ये बेहतरीन किस्म के हमारे आलू चने तैयार हो गए हैं। अब की बार इस तरह से बनाकर देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताना है, और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।